नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नवरात्र पूजन विधि। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं और 9 दिन तक मनाए जाने वाले इन नवरात्रों में देवी की बड़ी श्रद्धा के साथ हर घर में पूजा उपासना की जाती है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नवरात्र के प्रथम दिन आपने देवी का आह्वान करना है, उनकी पूजा करनी है, जिसको आपने 9 दिनों तक लगातार करना है, और किस प्रकार से नवरात्र के प्रथम दिन आपने अपने घर में बीजारोपण करना है, जिसे हम खेती बीजना भी कहते हैं, और जिसकी उपासना और पूजा देवी की तरह 9 दिनों तक की जाती है, और 10वें दिन विजयदशमी के दिन उस खेती की पूजा करके उसे पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो आज हम ये सारी विधि जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम नवरात्र पूजन विधि। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उस स्थान को पवित्र करेंगे जहाँ पर हमने देवी माँ को विराजमान करना है, और साथ ही साथ हम उस सारी सामग्री पर भी गंगा जल के छींटे मारकर पवित्र करेंगे जो हमने पूजा में इस्तेमाल करनी है और देवी माँ को अर्पित करनी है। तो स्थान को पवित्र करने के लिए हम एक फूल के माध्यम से गंगा जल के छींटे उस स्थान पर जहाँ पर देवी माँ को हमने विराजमान करना है, और उस सारी सामग्री पर भी हम गंगा जल के हल्के हल्के छींटे दे देंगे ताकि पूरी सामग्री पवित्र हो जाए गंगा जल के साथ। गंगा जल के छींटे मारने के बाद अब हम देवी माँ को विराजमान करने के लिए उनके स्थान की साज सज्जा करेंगे। जिस स्थान पर हमने माता को विराजमान करना है उस स्थान पर लाल रंग की चुन्नी या फिर लाल रंग का सुंदर एक कपड़ा बिछाएं। अब उस स्थान पर पुष्प वर्षा करें, फिर एक चावलों की ढेरी बनाएं। और इस चावलों की ढेरी से 9 दिशाएं बनाएं। अंदर से बाहर की तरफ इस चावल की ढेरी से 9 दिशाएं बनाएं, जो माता का नव रूप मानी जाती है। अब हम इस चावलों की ढेरी के पास दुर्गा माँ की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। अगर आपके घर में दुर्गा माँ की कोई प्रतिमा, इस प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, तो आप दुर्गा माँ के चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। अब हम इस चावलों की ढेरी के पास तांबे का एक कलश रखेंगे। इस कलश के ऊपर भी हम मौली बांधेंगे। कलश के ऊपर मौली जरूर बांधें जब भी आप घर में कलश स्थापना करें। अब इस कलश के ऊपर हम आम के पत्ते सजाएंगे और नारियल रखेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप कलश के ऊपर आम के पत्ते सजाकर नारियल रखेंगे, वो आम के पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब हम यहाँ पर नारियल रखेंगे, लेकिन इस नारियल को रखने से पहले हम इस नारियल पर भी मौली बांधेंगे। मौली बांधने के बाद अब हम इस नारियल को इस कलश के ऊपर रख देंगे। कलश में भरा जल माँ देवी के 9 स्वरूपों का रूप माना जाता है। अब हम इस कलश के ऊपर रौली, मौली, हल्दी और चावलों से तिलक लगाएंगे। अब हम इस नारियल पर भी रौली और हल्दी से तिलक लगाएंगे, और साथ ही कुछ अक्षत भी हम इसके ऊपर तिलक स्वरूप लगा देंगे। अब हम इस कलश के पास एक अखंड दिया रखेंगे जो कि 9 दिनों तक जलता रहेगा। अब हम इस पावन ज्योत को जलाएंगे। ध्यान रखें कि देवी के सामने जलने वाला ये अखंड दिया 9 दिनों तक निरंतर इसी प्रकार जलते रहना चाहिए, और ध्यान रखें कि कभी भी इस दिए के अंदर शुद्ध घी
खत्म नहीं होना चाहिए। और सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस अखंड दिए में शुद्ध घी का ही प्रयोग करें, किसी भी अन्य तेल या फिर किसी भी वनस्पति ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं करें। हो सके तो गाय के शुद्ध घी से ही माता की इस पवित्र ज्योत को प्रज्वलित करें। इसके बाद हम माता के सामने प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपनी पूजा करने की शक्ति दे और माता को तिलक, चुनरी और उनके श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। अब हम देवी माँ को तिलक लगाएंगे। रोली के साथ हम देवी माँ को तिलक लगाएंगे। तिलक के साथ ही हम कुछ अक्षत भी देवी माँ को लगाएंगे और थोड़े से अक्षत हम देवी माँ की प्रतिमा के ऊपर छोड़ देंगे। इसके बाद हम देवी माँ को चुनरी चढ़ाएंगे। और साथ ही हम देवी माँ के पास रखे नारियल पर भी चुनरी चढ़ाएंगे। अब हम देवी माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप अपनी समर्था अनुसार देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री में 5 वस्तुएं होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें हाथों पे रचने वाली मेहंदी, मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, बालों में लगने वाला लाल रिबन और साथ ही अगर हो सके तो माता के लिए सुंदर सी चूड़ियां भी आप पान सामग्री में ज़रूर शामिल करें। नहीं तो आप इस पान सामग्री में माता के लिए आप कुछ लिपस्टिक या फिर नेल पॉलिश, काजल, इत्र, शीशा, कंघा, ये सारी चीज़ें भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार से आप श्रृंगार करती हैं, एक सर्व सुहागन श्रृंगार करती हैं, उसी प्रकार से सारी सामग्री आप दुर्गा माँ को भी अर्पित करें और ये सारी श्रृंगार की सामग्री हम दुर्गा माँ के आगे, हम ये सारी सामग्री उनको इस प्रकार से दिखाकर उनके आगे रख देंगे। अब हम देवी माँ को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के लिए हम फूल की सहायता लेंगे। फूल के ऊपर इत्र की कुछ बूंदें डालकर हम देवी माँ की प्रतिमा के ऊपर इत्र के कुछ छींटे दे देंगे। इस प्रकार से इत्र देवी माँ को लग जाएगा। अब हम देवी माँ के ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे। इसी प्रकार से हम देवी माँ के पास रखे कलश के ऊपर भी पुष्प की वर्षा करें और प्रणाम करके शीश झुकाएंगे और उन्हें फूल माला अर्पित करें। और पुष्प वर्षा करें। इसके बाद माता को फल अर्पित करें। ध्यान रखें, माता को कभी भी खट्टे फल अर्पित ना करें। भोग लगाते वक्त ध्यान रखें कि सारे फल मधुर यानी कि मीठे होने चाहिए। माता को खट्टे फलों का भोग नहीं लगता है। इसके बाद हम खेती बीजना करेंगे, जिसको नवरात्र के प्रथम दिन किया जाता है और 9 दिन तक इस खेती को स्वच्छ जल दिया जाता है। इसके लिए हमने एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डाल ली है, थोड़ा सा रेता डाल लिया है। अब हम इसके अंदर बीजेंगे जौ, जिसे खेती बीजना भी कहते हैं। इसके लिए हम इस मिट्टी के बर्तन में इस प्रकार से थोड़े से जौ डाल देंगे और इसे हल्का हल्का दबाकर स्वच्छ जल छिड़क देंगे। और इसे माता के बाहीं तरफ रख देंगे।
और इसे हम इन पान के पत्तों के साथ ढक देंगे। पान के पत्ते इन जों को थोड़ी सी गर्मी देंगे, जिससे हमारी जों की ये खेती बहुत ही अच्छी होगी। माना जाता है कि जों जितने अच्छे होते हैं, जितनी अच्छी उनकी ग्रोथ होती है, उतनी ही माता की कृपा हमारे ऊपर खुलकर बरसती है। अब हम इसको तिलक लगाएंगे, थोड़े से चावल अर्पित करेंगे और शीश झुकाकर माता के सामने प्रार्थना करेंगे कि हमारी इस खेती को वो कृपा दृष्टि डाले, ताकि हमारी ये खेती बहुत ही ज़्यादा बढ़े और फूले। अब हम माता को दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा भी आप अपनी समर्था अनुसार चढ़ा सकते हैं। अब हमारी ये प्रथम नवरात्र की खेती बीजना की जो विधि है, वो इस प्रकार से संपन्न होती है। खेती बीजना को लोग नाना प्रकार से कई नामों से जानते हैं, लेकिन सरल भाषा में इन जो बीजना को हम खेती बीजना ही बोलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया नवरात्र के प्रथम दिन की जाती है और नवरात्र के 9 दिनों तक इस खेती को रोजाना सुबह स्वच्छ जल दिया जाता है। ध्यान रखें कि कलश की तरह इस खेती को भी 9 दिनों तक उसके स्थान से नहीं हटाना होता। अब हम देवी माँ को भोग अर्पित करेंगे। 9 दिनों तक आप देवी माँ को शुद्ध आहार जैसे कि पंचमेवा, मिश्री, दूध का भोग लगा सकते हैं और इस भोग को हम माँ के आगे रख देंगे और श्रद्धा से माता को नमन करते हुए प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे इस 9 दिन की पूजा को सफल बनाए और हमें व्रत करने की और अपनी पूजा करने की शक्ति बख्शे। इसके बाद अब हम दुर्गा माँ की आरती उतारेंगे।